हेलो गाइस, सो मैं वापस से एक बार पोर्ट फर्स्ट एंड बीपीडीओ वर्ड का लैब करके आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन साहिल को थोड़ी सी डाउट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे फिर से वो लैब बता देना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे वही यूएनएल एक्सेस कर रही हूँ एंड सर्वर के थ्रू, एंड मैं यहाँ से दोनों स्विच को पहले स्टॉप कर देती हूँ एंड देन वापस से स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं होस्ट नेम डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। सो अभी आपका डिवाइस ऑन हो चुका है, इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके हम होस्ट नेम चेंज कर देना है, क्या स्विच नंबर 1, ठीक है, क्योंकि उस दिन हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाया था, इसलिए मैं वापस इस लैब को कर रही हूँ स्विच नंबर 2। मीन्स आउटपुट आ गया था, बट साहिल को थोड़ी सी उसे लग रहा था कि नहीं प्रॉपर आया है, इसलिए मैंने प्रॉपर लैब डिजाइन कराया। चलिए, तो अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं शो स्पैनिंग ट्री से। इसके सारे देखिए, मुझे बस दो पोर्ट से मतलब है, तो 0/0 and 0/1 से। कौन कौन से? ये 0/0 and 0/1, क्योंकि बस यहाँ पे मैंने दो ही पोर्ट क्या अटैच करके रखा हुआ है। और स्विच नंबर 2 पे चलते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं डू शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे क्या है, अगेन हमें दो पोर्ट से बस मतलब है, ये दोनों दो पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो 0/0 है वो क्या है, पोर्ट हमारा ब्लॉकिंग में, ठीक है। सो इट मीन जो भी हम काम करेंगे इस पे करेंगे, फॉरवर्डिंग स्टेटस पे ही, फॉरवर्डिंग पे ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक है मेरा पोर्ट, तो उस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस लर्निंग जो टाइम ले रहा है, जब मैंने दो स्विच कनेक्ट कराया तो वहाँ पे मैंने बताया था वो क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, लर्निंग करेगा, देन मीन्स टोटल 30 सेकेंड ले रहा है आपके पोर्ट को अप आने के लिए, ठीक है। तो मैं वो 30 सेकेंड का जो टाइम ले रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो टाइम ले। अगर यहाँ पे मैं पीसी कनेक्ट करूंगी, सपोज जो हमारा सिनारियो था थ्योरेटिकल बेस पे, तो यहाँ पे क्या था, मैं एक पीसी कनेक्ट करी थी, तो पीसी क्या है, पीसी तो कोई ब्रॉडकास्ट सेंड नहीं करता है, और जैसे मैंने पीसी से एक L2 लेयर 2 डिवाइस लगाया, मतलब एक स्विच लगाया, तो वो क्या करा है, सीधे एक ब्रॉडकास्ट एक बीपीडीओ पैकेट भेजा किसको, स्विच नंबर 1 को, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कोई लिसनिंग लर्निंग ना करे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करती हूँ, पोर्ट फास्ट इनेबल कर लेती हूँ, किसके 0/ कौन सा पोर्ट अब था आपका, फॉरवर्डिंग पे 1 या 0, मैं बस चेक कर लेती हूँ, आपको 0/0 फॉरवर्डिंग पे, ठीक है। तो हम जो भी कुछ भी करेंगे तो हम फॉरवर्डिंग पोर्ट पे ही कर सकते हैं। तो 0/0 पे हमें क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस इथरनेट 0/0, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल करना है। बट अभी मैं यहाँ पे पोर्ट फास्ट इनेबल करूँ, उसके पहले क्या हुआ, यहाँ पे किसी ने चेंजेस कर दिया, मतलब मैंने क्या लगाया था पीसी, किसी ने आके स्विच लगा दिया, अब उसका काम नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने स्विच लगाया, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्ट को मैं एक की पहले लेयर 2 है ना, इसको मुझे क्या बनाना होगा, लेयर 3 बनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको क्या कर रही हूँ, लेयर 3 बनाने जा रही हूँ। तो लेयर 3 बनाने की कमांड सबको पता है, इंटरफेस इथरनेट 0/0 नो स्विच पोर्ट, ठीक है, एक्सिट। अब चलते हैं हम इस पे। अब मैं यहाँ पे जो कमांड मैंने टाइप करा था पोर्ट फास्ट का, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एंटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया। अब मैंने इसे L3 बना दिया है, तो अब ये क्या है, कोई ब्रॉडकास्ट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कोई लिसनिंग लर्निंग भी नहीं करेगा, क्यों, चलिए देख लेते हैं एक बार, हम स्टेटस देख लेते हैं इसका, जो इंटरफेस इथरनेट 0/0 STUS क्या लिख रहा है यहाँ पे, कनेक्टेड है, क्लियर। अगर मैंने क्या करा इसको, अभी अभी जस्ट मैंने इसको L3 बनाया था, बट अगर मैं इसको L2 बना दूं, मीन्स यहाँ पे एक मैं लेयर 2 स्विच लगा दूं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी
अगेन वो उसको क्या भेजेगा, एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जब भी मैं ब्रॉडकास्ट फीचर इनेबल करते हैं तो उसके साथ एक और फीचर इनेबल करते हैं, कौन सी, बीपीडीओ गार्ड। ठीक है, तो मैं अगेन स्विच नंबर वन पे आके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट के साथ ही मैं क्या कर रही हूँ, बीपीडीओ गार्ड भी इनेबल कर दे रही हूँ। ठीक है, 0/0 पे स्पैनिंग ट्री बीपीडीओ गार्ड कमांड होती है आपकी इनेबल। तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है स्विच नंबर वन पे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट करके पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं क्या है। डू शो आईपी इंटरफेस, डू शो आईपी इंटरफेस इथरनेट 0/0 एसटीए स्टेटस। ठीक है, डू आईपी मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था यहाँ पे, तो आईपी नहीं होगा, तो अभी भी क्या है, इसका पोर्ट कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको वापस से क्या बनाने जा रही हूँ, एक इसको मैं एक लेयर टू पोर्ट बनाने जा रही हूँ। ठीक है, स्विच नंबर टू पे मैंने क्या करा, L3 से मैंने फिर से लेयर टू इसको स्विच बना दिया। मतलब फिर से मैंने अभी जस्ट पीसी कनेक्ट करा था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, वापस से इसको मैंने एक स्विच बना दिया। ठीक है, इंटरफेस इथरनेट 0/0। अब मैं कमांड यहाँ पे क्या चलाऊंगी, स्विच पोर्ट किसके लिए, फॉर लेयर टू। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच वन पे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टेटस जाके देखते हूँ किस चीज का, डू शो इंटरफेस इथरनेट 0/0 STATUS, क्या आ गया आपका एरर, डिसेबल मोड में आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एरर डिसेबल मोड में। अब फिर से मैं इसको क्या बनाने जा रही हूँ, L3 में कनेक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो L3 में कनेक्ट करने की कमांड क्या होती है, नो स्विच पोर्ट करेंगे हम। यहाँ पे नो स्विच पोर्ट कमांड इनेबल कर दिए। अब अगेन मैं यहाँ पे देखिए, स्टेटस तो आपका अप आ गया, लेकिन वहां पे क्या होगा, अभी भी आपको एरर डिसेबल मोड में ही आपका पोर्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए स्विच नंबर वन पे देखिए, जैसे मैंने इसको L3 बना दिया तो स्विच नंबर वन पे क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। अभी भी आपका पोर्ट किस में बैठा हुआ है, एरर डिसेबल मोड में बैठा हुआ है। तो अभी भी पोर्ट डिसेबल मोड में है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मैनुअली जाके अप करना होगा किसको, पोर्ट को। मतलब मैं स्विच नंबर वन के इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे जाके पोर्ट को क्या करूंगी, मैनुअली शट डाउन एंड देन नो शट डाउन। क्लियर, अब वापस से आप एक बार देखिए, आपका स्टेटस भी क्या हो गया, अप आ गया। ठीक है, अब आप एक बार और आके क्या करिए, सेम कमांड रन कर लीजिए स्टेटस की, आगे आपका किस में कनेक्टेड है। या तो आप ऐसे करिए, या फिर मींस कहने का मतलब है कि या तो आप बार बार शट डाउन नो शट डाउन करिए, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगेन मैं स्विच नंबर टू को किस में जा रही हूँ, L2 में करने। ठीक है, स्विच पोर्ट कमांड। अब स्विच नंबर वन पे देखते हैं ये क्या हुआ होगा, वापस से क्या आ गया, कनेक्टेड से आपका एरर डिसेबल मोड में आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फिर से अगर वहां पे किसी ने पोर्ट को स्विच कनेक्ट करा, L2 डिवाइस कनेक्ट करा, फिर से किसी ने L3 कनेक्ट करा, तो यही मेरा काम नहीं है कि मैं पोर्ट पे जाऊं, एक बार नो शट डाउन करो, शट डाउन करो, नो शट डाउन करो, शट डाउन करो। ठीक है, उससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ, स्विच नंबर वन पे क्या, इंटरवल कमांड। ठीक है, टाइमर लगा सकती हूँ और रिकवरी कमांड, यहाँ पे दो कमांड चलती है, तो चलिए देखते हैं। पहली है यहाँ पे क्या, एरर डिसेबल रिकवरी कमांड। ठीक है, और हमें कॉजेस पता होना चाहिए किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कॉजेस यहाँ पे क्या है, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए तो देखिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बीपीडीओ कार्ड। अगर आपको पता है बीपीडीओ कार्ड इसका रीजन है तो बीपीडीओ कार्ड लिखिए, अदरवाइज यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, और लिख दीजिए। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बीपीडीओ कार्ड की वजह से। और एक और कमांड यहाँ पे चलती है किसकी, टाइमर की, इंटरवल। और अब आपने क्या लगा दिया, सपोज मैंने 50 या लीस्ट ही ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। ठीक है, 40 सेकेंड का मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया है।
अब वापस से हम एक बार स्विच नंबर 1 पे आके देखते हैं। अभी भी आपका अब मैंने यहाँ पे क्या करा, स्विच नंबर 1 पे नहीं, स्विच नंबर 2 पे आके एक बार और मैं पोर्ट को क्या कर रही हूँ, नो स्विच पोर्ट बना रही हूँ, ठीक है, एक L3 डिवाइस बना रही हूँ। तो अब क्या होगा, आपका स्विच नंबर 1 पे देखिए आपका लिंक तो तुरंत अप मैसेज आ जाएगा, बट आफ्टर 40 सेकेंड के बाद क्या होगा, स्विच नंबर 1 के पास क्या मैसेज आएगा, एरर डिसेबल मोड से। देखिए अभी भी आपके पास ये किस मोड में बैठा हुआ है, एरर डिसेबल मोड में बैठा होगा, ठीक है, बट आफ्टर 40 सेकेंड क्या होगा, ये कनेक्टेड मोड में आ जाएगा। तो अभी आ जाएगा, कभी अब जब आप रियल डिवाइसेस पे करेंगे तो वो 30 सेकेंड के अंदर आपका पोर्ट कनेक्टेड आ जाता है, बट सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे कभी कभी आपको पूरा प्रॉपर 1 मिनट तक वेट करना पड़ता है इसका रिजल्ट आने में, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं, अभी भी एरर डिसेबल मोड में ही है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट कर लेते हैं। तो अभी अभी अपने आप एरर डिसेबल मोड से किस में आ जाएगा, कनेक्टेड में आ जाएगा। 40 सेकेंड हमने टाइमर लगाया था तो 40 सेकेंड तक हमें वेट करना होगा। मैं से बैठी थी तो मैंने सोचा लो मैं ये वीडियो फिर से बना देती हूँ, इसमें क्या है आपको पूरा क्लियर रिस्पांस मिलेगा, बस हमें वेट करना होगा। तो भी टाइम ले लेता है, सॉफ्टवेयर पे आपका टाइम लग जाता है, बट आ जाएगा कनेक्टेड आ जाएगा स्टेटस। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आ जाएगा आपका, बट आप रियल पे करेंगे तो आपका रिजल्ट विद इन 30 सेकेंड के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि टाइम उसका मिनिमम टाइम वहां पे क्या था, 30 सेकेंड था, तो उसके अंदर अंदर ही आपके पास आपका स्टेटस कनेक्टेड आ जाएगा। कितना टाइम ले रहा है, बट मैं भी वेट कर रही हूँ, कोई नहीं आ जाए। ये लैब एक्चुअली सिस्को पैकेट रिसीवर पे नहीं चलती, इसलिए इस पे उस पे पोर्ट फास्ट का लैब तो चल जाएगा बट आपका बीपीडीओ वार्ड का लैब नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मैसेज आ गया क्या कि एरर रिकवरी से अटेम्प्ट बीपीडीओ का एरर डिसेबल स्टेट टू इथरनेट जितना 0/0 एंड चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। सो चेक करते हैं क्या आ गया आपका, कनेक्टेड आ गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अगर हम वैसे देखें तो 40 सेकेंड से काफी टाइम लिया है यहाँ पे, बट अगर आप रियल में करेंगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये आज की लैब थी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, देख सकते हैं आप प्रॉपर कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोई भी नो शटडाउन कुछ भी नहीं करना पड़ा है, प्रॉपर यहाँ पे मेरा स्टेटस क्या हो गया है,
कनेक्टेड हो गया है। सो ये पोर्ट आपका क्या था, एक लेयर थ्री डिवाइस, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। आपको कोई नो शटडाउन शटडाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर 40 सेकेंड के बाद क्या हुआ है, आपका पोर्ट अप आ गया है, देख लीजिए। सारे यहाँ पे स्विच टू पे भी कनेक्टेड है, स्विच वन पे भी कनेक्टेड है। तो ये आपका छोटा सा लैब था, किसका, बीपीडीओ कार्ड, एंड देखिए स्विच वन पे भी कनेक्टेड है, स्विच टू पे भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो कल भी हमने पूरी लैब प्रॉपर सही करी थी, बट उसका रिस्पॉन्स जो था जल्दी नहीं आया था। तो बट आज हमने इसलिए पूरा वेट करा कि हाँ हम पूरा वेट करेंगे 1 मिनट तक कि देखते हैं कब आता है। तो फाइनली आ गया, स्टेटस इसका कनेक्टेड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।